रिसर्चर्स बताते हैं कि उस दौर में 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से अफ्रीका के जंगल प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से प्रोकॉन्सुल को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन्होंने दो पैरों पर चलने की शुरुआत की और एक अन्य जाति आर्डिपिथेकस रेमेडस इवॉल्व हुए। इस समय वो दो पैरों पर चलने में सक्षम तो हुए, लेकिन इनके पैर अभी भी पहले के जैसे ही थे, जिस वजह से इनकी चाल आज के इंसानों से काफी अलग थी। दो पैरों पर चलने के बावजूद भी अभी भी इनका जुड़ाव पेड़ों से रहा। ये अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ा करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ की संख्या कम हुई, ये भी इवॉल्व हुए और एक नई प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुई, जिसे ऑस्ट्रलोपिथेकस एफरेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीवों के अंदर सभी चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इनके दिमाग का विकास हुआ, इनकी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आया। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आम तौर पर शाकाहारी हुआ करते थे, ये फलों पत्तों को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे। जैसे जब शेर, तेंदुआ या लकड़बग्घे अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे तो ये उन्हें खाते थे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे क्योंकि इनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। कई बार जब इन्हें भोजन नहीं मिल पाता था तो ये पेड़ों की जड़ों को भी खा लिया करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रलोपिथेकस भी इवॉल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद से ही मानव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य नई नई चीजें सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ ये होमो हैबिलिस भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया। रिसर्चर्स के माने तो आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और यहीं से इनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। फिर चाहे पश्चिमी देश, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो, सभी जगह इनका विस्तार हुआ। हर महाद्वीप के वातावरण के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव आए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थानों को चुना उनका रंग काला हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रश्न अभी भी वही है, आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे के कारण को आइए समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके प्रभाव का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंजेस था। दरअसल उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल की वजह से चारों ओर पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल कर रख दिया। हवा की दिशा बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए। दोस्तों, इस घटना से घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। जलवायु के इस परिवर्तन की वजह से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसने के लिए निकल पड़े। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल लिया या फिर विलुप्त हो गए। जबकि वहीं होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। आरंभिक समय में होमो इरेक्टस खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, यानी भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और अब ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। अब ये पेड़ों पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपने जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए थे और ये तो आप सभी जानते हैं कि जरूरतें ही नई खोज को जन्म देती हैं। मनुष्य की इस प्रजाति ने आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस अफ्रीका में मिले जानवरों की हड्डियों से ये पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा, औजारों से औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, औजारों से अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीखा। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। यानी कि मानव रूप में ये काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। इन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही वो प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी इन्होंने समझ लिया था। इन्होंने आग से खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। अब बंदर जैसे दिखने वाले इनकी प्रजाति इनके पूर्वज हो चुके थे और ये पहले के तुलना में आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं था।
धरती पर जीवन कई कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन एवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हाइडलबर्जेनेसिस खुद को इसमें ढालने में काबिल थी। ये धरती के पहले इंसानी प्रजाति थी जिनके दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसान के बराबर था, लेकिन इनकी आंखें जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चरण में ये लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, वे मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर चुके थे। उन्होंने कला की वस्तुओं का निर्माण करना भी शुरू कर लिया था। हम कह सकते हैं कि अब मानव जान चुका था कि धरती पर उसे किस तरह से रहना है और अपना जीवन विकसित करना है, कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है और किस तरह से खुद का बचाव करना है। यह सभी चीजें ये सीख चुका था। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान इवोल्यूशन के कई मुश्किल भरे पड़ावों से गुजरा। होमो हाइडलबर्जेनेसिस प्रजाति तक पहुँचने के लिए इंसान की 20 प्रजातियाँ इवोल्यूशन के पड़ाव से गुजरी थीं। समय के साथ साथ एक एक करके ये सभी प्रजातियाँ धरती से विलुप्त हो गईं और जो रह गए वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुए। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव कई मिलियन साल तक चलने वाले इवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेता है। इनका ब्रेन का साइज पहले से बहुत